नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 400 करोड़ के धोखाधड़ी और घोटाले मामले में सोसाइटी के सीए कनिष्ठ सिंगल को एसओजी ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में सीए एसोसिएशन के बैनर तले सीए ने मंगलवार को जिला कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन मंगलवार को सौंपा गया। एसोसिएशन का कहना है कि सीए की गिरफ्तारी बेवजह की गई है, घोटाले से सीए का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीए को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 400 करोड़ के धोखाधड़ी और घोटाले मामले में सोसाइटी के सीए कनिष्ठ सिंगल को एसओजी ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में सीए एसोसिएशन के बैनर तले सीए ने मंगलवार को जिला कलेक्टर और एसपी को सीए और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप दिया। एसोसिएशन का कहना है कि सीए की गिरफ्तारी बेवजह की गई है, घोटाले में सीए का कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग है कि सीए को जल्द रिहा करे। दरअसल एसओजी ने 27 मई को नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। साल 2019 में दर्ज मुकदमे में आरोपी माना है। एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी कर पैसा लेने वालों के खिलाफ एसओजी की टीम ने 27 मई 2023 को चार्टर्ड अकाउंटेंट कनिष्ठ सिंगल पुत्र नारायण दास निवासी बाड़मेर को इस केस में दोषी मानते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा एसओजी ने गिरफ्तार किया। कनिष्ठ सिंगल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हुए नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट वर्ष 2012 से 2017 तक रहा। नवजीवन के कुटरचित बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरीफाइड किया, इससे जनता को कंपनी की सही वित्तीय स्थिति पता नहीं चली। इस प्रकार कनिष्ठ सिंगल, जिसका कार्य व्हिसल ब्लोअर का था, की जगह स्वयं ही आरोपियों के साथ आपराधिक भागीदार बन गया। मंगलवार को सीए कनिष्ठ सिंगल की गिरफ्तारी के विरोध में सीए एसोसिएशन बाड़मेर की ओर से बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित, एसपी दिगत आनंद को सीएम अशोक गहलोत व राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम ज्ञापन दिया। एसोसिएशन का कहना है कि राजनीति नफे नुकसान को लेकर बेवजह सीए कनिष्ठ सिंगल की गिरफ्तारी की गई है। जब एसओजी ने पहले इसके साथ पूछताछ कर ली, सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं, 4 साल बाद सीए को गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं राजनीति के तहत की गई है। हम लोग जो हमारे जो साथी है कनिष्ठ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एसओपी द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा तो ऑडिटर का कार्य केवल ऑडिट करना होता है। ऑडिट में तो व्यापारी जो हमारे पास या जो सोसाइटी जो बुक्स लाती है उसी की ऑडिट करते हैं, उसने क्या घोटाला किया क्या नहीं किया ये हमें थोड़ा पता ही होता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। हम हमारे पास जो बुक्स लाता है, बैंक स्टेटमेंट लाता है, उसी के आधार पर हम उसको ऑडिट करके कंप्लीट करते हैं और हमारी रिपोर्ट दे देते हैं। जो हमारी फीस 10,000-20,000 होती है वो फीस चार्ज कर लेते हैं। ना इससे हमें को फायदा मिला, क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ वो जाने, उनका काम जाने, पर हमारे सदस्य जिसने कुछ भी निर्दोष है तो निर्दोष व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है वो अन्यायपूर्ण हुई है और गलत हुई है। इसके विरोध में जिला प्रशासनों को ज्ञापन देना है, मुख्यमंत्री के नाम का एवं राज्यपाल के नाम का। हमारे मांगे उस निर्दोष व्यक्ति को रिहा किया जाए। निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई आरोप नहीं है, जिसका कोई इसमें एमबीजीएल सहयोग नहीं है, जिसका कोई एबेटमेंट नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना तो अन्यायपूर्ण और गलत तरीका है। सीए एसोसिएशन के सचिव प्रकाश वडेरा ने कहना है कि एसओजी ने सीए कनिष्ठ सिंगल की गिरफ्तारी किया है, जबकि सीएम का काम केवल ऑडिट करना होता है। सोसाइटी या व्यापारी तो बुक्स और बैंक स्टेटमेंट लेकर आते हैं, उसी के आधार पर ऑडिट करते हैं। व्यापारी ने क्या घोटाला किया है और क्या नहीं किया है यह सीए की जानकारी में नहीं होता। कनिष्ठ सिंगल के मामले में नवजीवन बैंक में क्या घोटाला हुआ है क्या नहीं, इसकी सीए को जानकारी नहीं थी। उन्होंने सीए को निर्दोष बताते हुए उसकी रिहाई की मांग की।